अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत, मेरा नाम आशिक शेख है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, हम लोग ने घर में एक गल्ला बनाया हुआ है, तो हम लोग रोज़ 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये जिसकी जो है सब रोजी रोटी पे जाने वाले लोग उसमें डाल के जाते हैं सदके के तौर पे गल्ले में, और घर वाले भी डालते हैं। तो क्या उस सदके के पैसे से हम ज़कात अदा कर सकते हैं? अगर जो ज़कात हमारे पर निकल रहा है तो वो पैसे से मिला कर हम ज़कात दे सकते हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ शेख मुंबई से ऑडियो में सवाल इन्होंने पूछा था कि घर में गुल्लक है, सभी लोग उसमें पैसा डालते हैं गुल्लक में, अब घर में ज़कात वाजिब है, तो क्या उस पैसों को ज़कात में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इसमें एक मसले की वजाहत आपने नहीं की कि घर में जो गुल्लक है उसमें जो लोग पैसा डालते हैं, उन पैसा डालने वाले अफराद में क्या कोई नाबालिग भी शामिल है? अगर ऐसा है कि उसमें नाबालिग शामिल है, तो अव्वलन तो इस तरह से नाबालिग बच्चे से पैसा उसमें नहीं डलवाना चाहिए, और अगर किसी नाबालिग ने उसमें डाले हैं तो उसने कितना पैसा डाला होगा, उस अंदाज से उस रकम को उसको नाबालिग बच्चे को वापस कर दिया जाए। अगर ऐसा है कि उसके अंदर किसी नाबालिग ने पैसा नहीं डाला, बल्कि घर के तमाम बड़े अफराद जो है उसमें अपनी बचत में से पैसा डालते हैं, मसलन कभी 100 कभी 200 500, और सबको ये मालूम है कि ये पैसा जो है वो किसी भी जायज़ काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और अब उसमें कोई नाबालिग भी शामिल नहीं है, और अब जिसमें घर में ज़कात वाजिब है तो इससे ज़कात देना चाहते हैं, तो इसकी सूरत इस तरह बनेगी कि जितने भी बालिग लोगों ने उसमें पैसा डाला है वो सभी लोग उस माल को किसी एक शख्स को मालिक बना दें। मसलन ये कि घर में 4 लोग उसमें पैसा जमा करते थे और आप पर ज़कात वाजिब है, आप चाहते हो कि उस रकम में से आप ज़कात अदा करो, तो घर में जितने भी लोग पैसा डालते थे, वालिदा वालिद या आपकी बीवी, वो सभी लोग मिलकर उस रकम को अपनी खुशी से और मर्ज़ी से आपके सुपुर्द कर दें। जब आप उस रकम को ले लेंगे उस गल्ले में से, तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। अब आप उसके मालिक बन जाएंगे तो इस सूरत में आप अपनी ज़कात उसमें से अदा कर सकते हैं। अब अगर ज़कात किसकी अदा करनी है ये भी देखा जाएगा, यानी आपने पूछा कि क्या घर वाले इसमें से ज़कात दे सकते हैं, तो घर वालों में कितने लोगों पे ज़कात वाजिब है? अगर आप पे वाजिब है, वालिदा पे आपकी और आपकी बीवी पर भी वाजिब है, तो ऐसी सूरत में उस गल्ले में अगर इतनी रकम है कि तमाम लोगों की ज़कात वाजिब अदा हो जाएगी, तो फिर उसमें से ज़कात दी जा सकती है, और अगर पैसे कम पड़ेंगे तो वो पैसे डालने पड़ेंगे। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे गल्ले में सब ने मिलाए तो 10,000 रुपये जमा हुए और आप पर 3,000 रुपये की ज़कात थी। अब जिन लोगों ने उस गल्ले में पैसे डाले वो सब अपनी खुशी से और मर्ज़ी से उस गल्ले की रकम का मालिक आपको बना देंगे। जब आपके पास वो पैसा आ जाए तो आप पे जो 3,000 की ज़कात वाजिब थी उसमें आप इस पैसे को भी ऐड कर लें, मसलन ये कि 10,000 रुपये भी ऐड करें, क्योंकि अब ज़कात इस पर भी देनी होगी जिसके आप मालिक बने। तो इस सब पैसों को मिला के 3,500 जो ज़कात के निकलेंगे आप उसको निकाल दें। इसके बाद जो आप पे रकम बचेगी उस रकम में फिर आप ये देखें कि आपके घर में दूसरी किस पर ज़कात वाजिब है, अगर वालिदा पे है तो कितनी है, क्या उस रकम में से अदा हो जाएगी, तो इस तरह वालिदा की अदा कर दें, बीवी की अदा करना चाहें तो वो कर दें, तो इस तरह से आप उसमें अदा कर सकते हैं। खुलासा कलाम ये है कि नाबालिग का उस गल्ले में पैसा नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको दे दिया जाए, और अगर तमाम बालिग लोगों ने ही नेक काम के लिए उसमें जमा किया था और तमाम लोग जिंदा भी हैं जिन्होंने जमा किया था, तो सभी लोग अपनी खुशी से किसी भी एक शख्स को जो ज़िम्मेदार हो घर का उसको उस पैसे का मालिक बना दें, ताकि वो ज़कात अदा कर दे। फिर वो शख्स अपनी ज़कात अदा कर ले, किसी और की करना चाहे तो उनकी कर दे, मतलब बीवी की करना चाहे तो उस रकम से बीवी की ज़कात अदा कर दे। अगर उसमें पैसे की कमी बेशी पड़ती है तो उसमें और रकम डाली जा सकती है, मसलन ज़कात सबकी मिलके 11,000 रुपये की बन रही है और उसमें 10,000 रुपये हैं, तो इस तरह 1,000 रुपये
बाकी रहेंगे उसको ऐड करके। तो इस तरह से घर के गल्लक में जो पैसे जमा होते हैं उससे आपकी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। और देखा जाए तो एक तरीके से ये दुरुस्त भी है, यानी घर का मामला कि कोई घर में ऐसा गल्ला या ऐसी गुल्लक बनी हो कि जिसमें घर के तभी सभी तमाम लोग नफिल सदक़े के लिए किसी भी जायज़ नेक काम के लिए पैसे जमा करते रहें जिसकी जो गुंजाइश हो, फिर साल के आखिर में उससे कोई इस साल सवाब का प्रोग्राम 11वीं 12वीं कराना चाहें, सबकी इजाज़त लेकर उसमें करा लें। अगर इजाज़त आम है यानी घर में सबके अंडरस्टूड है कि हाँ इसीलिए दे रहे हैं किसी भी काम में लग सकता है, तो अलग से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और ज़कात वगैरह भी अगर उससे देना चाहें फैमिली वाले तो दे सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।